तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक प्रोफेशनल आज फोटो एडिटिंग पे आया हूँ लेकर ट्यूटोरियल। ठीक है, काफ़ी दिनों से मेरा रील्स है, वीडियो से है, नहीं आ रहा है यूट्यूब पे, क्योंकि मैं फोटो एडिटिंग पे काम कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मस्त फोटो एडिटिंग, जो आपने थंबनेल में देखा है। ये जो फोटोज़ मैंने एडिट किया है, ये मेरा फोटो नहीं है, ये एक आर्टिस्ट है जो इंस्टाग्राम पे ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो उनका मैं उनके फोटोज़ को लेकर इसको एडिट किया है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो इसको एडिट किया कैसे आपको यही बताने वाला हूँ। तो बिना कुछ देरी के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है धनवीर और आप देख रहे हो धनवीर मौर्य यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फोटो को अकॉर्डिंग एक बैकग्राउंड डाउनलोड करना है, और जैसे आपने पोज मारा है जिस पोजीशन में आपका पोज है उसी पोजीशन में एक शेयर को भी डाउनलोड कर लेना है। अपने फोटो के हिसाब से बैकग्राउंड और शेयर को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद अब आपको सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को एडिट करना है। स्नैपशेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, टूल्स पर जाना है। अब यहाँ पर लेंस ब्लर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से इसको ऐसे करके थोड़ा फैला कर इसको नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद अब आपको ब्लर देखना है, आपको कितना ब्लर रखना है। बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं रखना, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इतना रख लेने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी हम बढ़ा लेते हैं कुछ। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ से राइट और इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सेव कर लेने के बाद फिर यहाँ से बैक हो जाते हैं। अब चलते हैं, हम अपने पिक्सएप प्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ठीक है, पिक्सएप प्रो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यह गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको एक हाईलाइट बैकग्राउंड इसमें ऐड करना है, जो आपके पास बैकग्राउंड हो या फिर कोई भी फोटोज़ हो जो ज़्यादा MB में हो। ठीक है, एक्चुअली ज़्यादा MB में, जितना ही ज़्यादा MB में रहेगा उतने ही ज़्यादा HD में आपका फोटोज़ एडिट होगा। उस फोटोज़ का भले कोई काम नहीं है, बस वैसे ही उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मेरा फोटोज़ जो है 10 MB का है, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। फिलहाल उसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको नीचे रखने के लिए उसको ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ मेरा फोटोज़ जो है ऐड हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आपको अपने बैकग्राउंड को इसमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। एंटर पिक्चर्स पर जाना है और अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। राइट, थोड़ा बड़ा